सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र सैनी, आर कंप्यूटर्स, रामनगर, सोडाला से। आज हमारी क्लास है इंसर्ट में हेडर, फुटर और पेज नंबर की। हमने हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया, टेक्स्ट टाइप किया, हेडर। हेडर का मतलब होता है पेज का टॉप। जितने भी पेज का आपने डॉक्यूमेंट लिखा है, चाहे वो 10 पेज का हो, चाहे वो 5 पेज का हो, सभी के पेज का टॉप हेडर कहलाता है। डॉक्यूमेंट हमने जितने पेज लिखे हैं, सभी का एक जैसा हेडर करना हो तो हम हेडर पर क्लिक करेंगे। हमारा 2 पेज का डॉक्यूमेंट है, इन दोनों पेजों का मुझे एक ही हेडर करना हो तो मैं हेडर पे क्लिक करूंगा। हमें कैसा हेडर लेना है, ब्लैंक हेडर लेना है या 3 कॉलम हेडर लेना है या अल्फाबेट हेडर लेना है, जैसा भी हेडर हमें लेना है हम उस पर क्लिक कर देंगे। मैंने क्लिक किया हेडर पर और मैं एक हेडर पर टाइप करूंगा, वैसा मेरा सभी हेडर पे आएगा। मैंने एक हेडर पे क्लिक किया, आर आर कंप्यूटर रामनगर सोडाला, तो वही हेडर मेरे दूसरे पे भी आएगा। हेडर हेडर जैसे हम हेडर लेंगे तो हमारे पास हेडर का टूल आ जाएगा। ये हेडर का हमारे पास टूल आ गया, डिजाइन हेडर फुटर टूल। पहला है हेडर। हेडर को आपका स्टाइल चेंज करना हो, आप यहां से चेंज कर सकते हैं। हेडर टूल के डिजाइन टूल से फर्स्ट हेडर, मुझे 3 कॉलम वाला लेना हो या अल्फाबेट लेना हो, जैसा भी लेना हो मैंने क्लिक कर दिया और जो भी मुझे हेडर लेना है मैं यहाँ टाइप कर दूंगा। टाइप कर दिया, यही मेरे सेकंड पेज पे भी आएगा सेम। अगर मुझे इनमें से कोई हेडर नहीं लेना हो तो मैं पुराना वाला हेडर रिमूव कर दूंगा रिमूव हेडर से, और कोई ब्लैंक हेडर लेना हो तो यहां से मैं एडिट हेडर पे क्लिक कर दूंगा, ये मेरा ब्लैंक हेडर आ जाएगा। ऑनलाइन मुझे लेना हो तो मोर हेडर फ्रॉम office.com से हम ऑनलाइन भी हेडर ले सकते हैं। एडिट हेडर, आपने पुराना हेडर आपने लिखा हुआ है उस हेडर में कोई आपको चेंजेस करना हो तो आप एडिट हेडर से उसे चेंजेस कर सकते हैं। ये इंसर्ट में आता है, इंसर्ट हेडर और एडिट हेडर से हम उस पुराने हेडर भी चेंज कर सकते हैं। फुटर, पेज का बॉटम होता है फुटर। जो भी आपके पेज के बॉटम में, सभी पेजेस के बॉटम में आपको अगर एक ही जैसा लिखना हो तो हम फुटर का यूज करेंगे। जैसा भी हमें लेना है हम उस स्टाइल पर क्लिक कर देंगे और फुटर में वो टाइप कर देंगे जो भी आपको लेना है। जैसे भी स्टाइल का हमें स्टाइल चेंज करनी हो हम फुटर पर वापस जाएंगे और स्टाइल हम चेंज कर लेंगे। सेम फुटर हमें दोनों पेज में मिलेगा। सेम फुटर हमें दोनों पेज पर मिलेगा, जैसा भी हम पहले पे लेंगे या दूसरे पे लेंगे। हेडर, हेडर में आता है सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी। ये कब ऑन होगा, जब आप किसी पैराग्राफ को या किसी लाइन को नया हेडर बनाना चाहेंगे। जैसे मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में है इसी पैराग्राफ को हेडर बनाना है, या किसी भी टेक्स्ट को मुझे हेडर बनाना है। जिस टेक्स्ट को मुझे हेडर बनाना है मैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे, हेडर पे, सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी पे क्लिक करूंगा और उसे जिस नाम से मुझे हेडर को सेव करना है मेरा, जैसे मुझे करना है हेडर 1, हेडर 1 के नाम से सेव करना हेडर गैलरी में सेव होगा। अगर आपको इसे और किसी में सेव करना है तो वहां से आप उसमें भी सेव कर सकते हैं। मुझे हेडर में सेव करना हेडर पे क्लिक किया। कैटेगरीज की आपको जो भी रखनी है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना हो तो आप टाइप कर सकते हैं और ओके। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो अब आपको इसे लेने के लिए, इसे एप्लीकेबल करने के लिए हेडर पे क्लिक करना होगा। हेडर पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना होगा उसे नीचे, आपको हेडर 1 मिल जाएगा। उस पे आपको क्लिक करना है और ये हेडर आपके सभी पेजेस पे एप्लीकेबल, अप्लाई, लागू हो जाएगा। सभी पेज पे ये लागू हो जाएगा। इसी तरह आपको अपना खुद का कोई फुटर लेना हो, किसी भी पैराग्राफ को लेना हो, आप उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट, इंसर्ट में सेव टू सिलेक्शन गैलरी, मैंने इसको नाम दे दिया न्यू फुटर और ओके किया। यही फुटर मुझे सब पे एप्लीकेबल करना हो तो मैं फुटर पे क्लिक करूंगा। फुटर पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जाऊंगा और वहां मुझे एक नया न्यू फुटर के नाम से, जो मैंने सेव किया था उस फुटर के नाम से मुझे यहां पे मिल जाएगा और यही फुटर सभी पेजेस पे एप्लीकेबल हो जाएगा।
फुटर के बाद है पेज नंबर। अगर आपको सभी पेज के टॉप पर पेज नंबर लेने हो तो आप टॉप ऑफ द पेज पे क्लिक करें। जिस फॉर्मेट में आपको पेज नंबर लेने हो, जिस डिजाइन में आपको पेज नंबर लेने हो, उस डिजाइन पर आप क्लिक कर दें। सभी के ऊपर फुटर हट जाएगा और पेज नंबर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपको पेज के बॉटम में लेने हो तो बॉटम ऑफ द पेज पे क्लिक करें, जैसा भी आपको लेना हो। अगर आपको पेज के मार्जिन में लेने हो, लेफ्ट मार्जिन में लेने हैं या राइट मार्जिन में लेने हैं, वर्टिकल लेने हैं या वर्टिकल राइट लेने हैं, जैसे भी लेने हो आप उस स्टाइल पर क्लिक कर दें, वैसे यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। इन सभी के नाम आपको यहाँ पे ये शो करेगा, असेंड बार लेफ्ट, असेंड बार राइट, वर्टिकल लेफ्ट, वर्टिकल राइट। करंट पोजिशन, आपके पास ऑलरेडी कोई हेडर लिखा हुआ हो या कोई मैटर आपके पास ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ हो, जैसे मेरे पास ये पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है आरआर कंप्यूटर्स। अब मुझे यहाँ पे हेडर भी लेना हो, सॉरी अब मुझे यहाँ पे पेज नंबर भी लेना हो। मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर, अगर मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये हेडर चला जाएगा, पेज नंबर आ जाएगा। मुझे हेडर भी रखना हो और पेज नंबर भी लेना हो तो मुझे क्लिक करना होगा करंट पोजिशन पर, जिस जगह मेरा माउस या कर्सर क्लिक होगा वहां पे मेरा पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। फॉर्मेट पेज नंबर, आपको पेज नंबर का फॉर्मेट चेंज करना हो तो आप पेज नंबर की फॉर्मेट पेज नंबर ऑप्शन पर क्लिक करें और जैसा भी फॉर्मेट आपको यहां से लेना हो उस तरह का फॉर्मेट आप यहां से ले सकते हैं। आपको हिंदी में लेना हो हिंदी में ले सकते हैं, अगर आपको रोमन में लेना हो तो रोमन में, अल्फाबेट में लेना हो तो अल्फाबेट में भी आप ले सकते हैं। क्लिक किया, अल्फाबेट में आपको लेना है तो अल्फाबेट वाले पे क्लिक किया और ओके। आपको पेज नंबर का नंबरिंग चेंज करना हो, यानी आपको सीरियल से ना लेके कोई नया नंबर आपको लेना हो तो हम यहां से पेज नंबर ले लेंगे न्यूमेरिक और स्टार्ट एट पे क्लिक करेंगे। जितने नंबर से हमें स्टार्ट करना हो वो नंबर हम यहाँ डाल देंगे स्टार्ट एट के आगे और ओके कर देंगे। वैसा ही स्टार्ट हमारा पेज नंबर वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। हमें चेंज करना हो वापस तो हम फॉर्मेट पेज नंबर पे जाएंगे और कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, हमारा नंबर वापस वन से स्टार्ट हो जाएगा। हमें पेज नंबर हटाना हो तो रिमूव पेज नंबर हम इससे भी हटा सकते हैं और पेज नंबर को हम डिलीट करके भी हटा सकते हैं। क्लिक किया, हमें नहीं चाहिए हम डिलीट कर देंगे तो बाकी सारे पेजेस से ये डिलीट, जो भी हमें नहीं चाहिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे तो बाकी सभी पेजेस से भी ये हट जाएगा। डेट एंड टाइम, हमें डेट और टाइम इंसर्ट कराने हो हमारे हेडर पे या फुटर पे, पहले हम वहां क्लिक करें जहां हमें हेडर, हमें जहां डेट और टाइम इंसर्ट कराने हैं। हमें क्लिक किया, हमारे पास डेट के बहुत सारे फॉर्मेट आ जाएंगे, जिस भी फॉर्मेट में हमें लेना है उस पर हम क्लिक करेंगे और कौन सी लैंग्वेज में हमें लेना है, हिंदी में लेना है तो हम हिंदी पे क्लिक कर देंगे, लैंग्वेज के नीचे इंग्लिश में लेना है तो इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे, जैसी भी जिस भी लैंग्वेज में आपको लेना है वहां क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप डेट के फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और अपडेट ऑटोमेटिकली, इसका मतलब होता है कि आपको डेट अपडेट करनी है। डॉक्यूमेंट में आपने आज डेट डाली, आपने डॉक्यूमेंट क्लोज कर दिया, इन फ्यूचर भविष्य में आप कभी दोबारा डॉक्यूमेंट ओपन करें, आप चाहते हैं कि जिस दिन मैं डॉक्यूमेंट ओपन करूं उसी दिन की डेट आनी चाहिए, तो आप इस ऑटोमेटिकली अपडेट पर टिक लगा दें और ओके कर दें। जब भी आप डेट डॉक्यूमेंट को सेव करके दोबारा ओपन करेंगे तो आपको उसी दिन की डेट यहां पे मिलेगी। अगर आप यहां पर टिक नहीं लगाएंगे तो ये अपडेट अपडेट नहीं होगी, जिस दिन आपने इंसर्ट किए उसी दिन की डेट यहां पे एप्लीकेबल होगी। क्विक पार्ट, जिसकी सहायता से आप एक ही टेक्स्ट को बार बार ना लिखने की बजाय उसी बॉक्स को इंसर्ट करा दें, उस टॉपिक को इंसर्ट करा दें और उसी टॉपिक को वो बार बार रिपीट करता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऑथर पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे कोई भी ऑथर लेना हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट में लेना हो चाहे वो हेडर फुटर में लेना हो, जहां भी लेना है वहां क्लिक करना है आपको। क्लिक करने अब यही मुझे दोबारा लेना हो तो मैं वापस क्लिक करूंगा क्विक पार्ट ऑथर, तो मुझे ये टाइप नहीं करना होगा, ये वापस ऑलरेडी जो मैंने पहले लिखा था वो वापस ले लेगा। अगर मैं एक में चेंजेस करूंगा तो बाकी में भी चेंजेस ये अपने आप कर देगा। इसी तरह मुझे और भी कोई फील्ड लेना हो तो और भी मैं फील्ड यहां से ले सकता हूं, जो सेम एक में जो मैं लिखूंगा वही सब में ये रिपीट करता जाएगा। इसके अलावा आपको और कोई फील्ड लेना तो आप फील्ड से ले सकते हैं, यहां से बहुत सारे फील्ड आपको मिल जाएंगे। पिक्चर,
हेडर और फुटर में कोई भी आपको लोगो लगाना हो तो आप पिक्चर का यूज करके वो लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। पिक्चर आपको यहाँ से क्लिप आर्ट लेना हो तो क्लिप आर्ट का यूज करते हुए आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप हेडर में काम कर रहे हैं, आपको फुटर पे जाना हो तो गो टू फुटर पर क्लिक कर दें, आपका कर्सर सीधा फुटर पे आ जाएगा। अगर आप फुटर पे काम कर रहे हैं, आपको हेडर पे जाना हो तो गो टू हेडर पर क्लिक कर दें। सेक्शन, नेक्स्ट और प्रीवियस, ये सेक्शन पे जाने के लिए होते हैं। अगर आपके पास दो या दो से अधिक पेजेस हैं, उनमें सेक्शन डिवाइड हो रखा है, तो ये सेक्शन पे जाने के लिए काम आते हैं। प्रीवियस, नेक्स्ट सेक्शन पे जाने के लिए और प्रीवियस सेक्शन पे जाने के लिए। लिंक टू प्रीवियस, दो पेजों में अगर सेक्शन डिवाइड हो तो दोनों पेजों को आपस का लिंक हटाने के लिए लिंक टू प्रीवियस का यूज करते हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज, अभी हम जो हेडर ले रहे हैं वो सभी पेज पर सेम आ रहा है, यानी एक जैसा आ रहा है। आप चाहते हैं कि मुझे पहले पेज पे अलग हेडर लेना हो और दूसरे पेज पे अलग हेडर लेना हो, तो हम डिफरेंट फर्स्ट पेज का यूज करेंगे। मैंने क्लिक किया डिफरेंट फर्स्ट पेज, जैसे मैंने डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक किया तो मेरा पहले पेज का हेडर हटा चला गया। अब मैं इस पे नया हेडर ले सकता हूं, जो भी मुझे हेडर लेना हो मैं उस लोगो या किसी पर क्लिक करूंगा और ओके क्लिक करूंगा और वहां पे वो आ जाएगा। अगर यदि मेरा क्लिक फर्स्ट पेज डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक होगा तो मेरा लोगो पहले पेज भी आएगा, दूसरे पेज पे नहीं आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफरेंट ऑड और इवन। अगर आपका डॉक्यूमेंट दो या दो से अधिक पेजेस का है और आपको फर्स्ट पेज पे अलग लेना है तो आप इसका यूज करें। अगर आप ऑड इवन चाहते हैं, यानी पहले पेज और तीसरे पेज पे सेम लोगो चाहते हैं या सेम टेक्स्ट चाहते हैं, सेम हेडर चाहते हैं, तो डिफरेंट फर्स्ट डिफरेंट ऑड इवन का यूज करें। जो पहले पे आएगा वही तीसरे पे आएगा और जो दूसरे पे आएगा वही चौथे पे आएगा, ऑड इवन नंबर के अनुसार। शो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, शो डॉक्यूमेंट ऑफ टेक्स्ट। आप हेडर फुटर पे काम कर रहे हैं, अगर आपको हेडर फुटर के अलावा और टेक्स्ट नहीं देखना है तो आप इस पर टिक हटा दें, तो आपको हेडर फुटर के अलावा और कोई टेक्स्ट नहीं दिखेगा। अगर आपको देखना चाहते हैं तो वापस आप इस पर टिक लगा दें। हेडर फ्रॉम टॉप, टॉप से हेडर की क्या साइज, कितना गैप रखना है आपको, वो यहां पर हम डाल दें। ये बाय डिफॉल्ट इंचेस में है, अगर आप चाहते हैं कि पीटी में तो आप यहां टाइप कर दें। अगर आपको इंक्रीज करना है तो यहां से इंक्रीज कर लें, डिक्रीज करना है तो यहां से डिक्रीज कर लें। अगर आपको यहां साइज चेंज करनी है, इंचेस की जगह आपको पीटी लेना है तो नंबर लिखें और पीटी टाइप कर दें, तो आपके हेडर की साइज 12 पीटी अपने आप हो जाएगी। अगर आपको इसी तरह फुटर की साइज बॉटम, फुटर फ्रॉम बॉटम, नीचे से फुटर की साइज कितनी लेनी है वो आप यहां टाइप कर दें। सेंटीमीटर में लेना है तो आप सी नंबर लिख के सीएम लिख दें, तो आपके ऑटोमेटिकली सीएम में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने जो भी कोई टेक्स्ट लिखा हेडर फुटर में, आपने जो भी कोई टेक्स्ट लिखा उसका अलाइनमेंट आपको चेंज करना हो तो आप अलाइनमेंट टैब पर क्लिक करें और उसका अलाइनमेंट आपको क्या रखना है। अगर आपको लेफ्ट रखना है तो लेफ्ट पर क्लिक करें, सेंटर रखना है सेंटर पर क्लिक करें, राइट रखना है तो राइट पर क्लिक करें। जैसे अभी आपने यहाँ पे डेट ले रखी है, इस डेट का अलाइनमेंट आपको सेंटर करना हो तो डेट के आगे क्लिक करें और अलाइनमेंट सेंटर पे क्लिक करें और ओके कर दें, आपकी डेट सेंटर में आ जाएगी। अगर आपको इसका अलाइनमेंट राइट रखना है तो राइट रखें और ओके कर दें, लेफ्ट रखना है तो अलाइनमेंट पे क्लिक करें, लेफ्ट पे क्लिक करें, ओके। अगर आपको इसके बाद वाले टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर रखना है तो इसके बाद में क्लिक करें और अलाइनमेंट पे क्लिक करें और सेंटर पे क्लिक कर दें, आपका जो बाद वाला टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। मार्जिन, अलाइन टू रिलेटिव मार्जिन, आपको मार्जिन कितना रखना है, आपको मार्जिन रखना है या इंडेंट रखना है। अगर आपको मार्जिन रखना है तो मार्जिन पे क्लिक करें, इंडेंट रखना है तो इंडेंट पे क्लिक करें
लेडर, आपको एक इंडेंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो लाइन लेनी है वो कितनी कैसे लेनी है, डॉटेड लेनी है, डैश डैश लेनी है, कंटिन्यू जैसे लेनी है, आपको ओके करना है। और आप जैसे ही अलाइनमेंट सेट राइट किया, लेटर सेट किया, ओके किया, आपको ऑटोमेटिकली वो लाइन यहां पे मिल जाएगी। क्लोज हेडर एंड फुटर, आपने क्लिक किया इस पे, आपको हेडर फुटर हट जाएगा।